घर जमाई हो, एक साथ रहना सब मिलके भाई भाई हो, एकता की मिसाल आप सब ने जगाई हो, मिलजुल के रहना अब कभी ना लड़ाई हो, एकता की मिसाल आप सब ने जगाई हो, मिलजुल के रहना अब कभी ना लड़ाई हो। और जितने बचे हैं कुंवारे इस गांव में, जल्दी से जल्दी उन्हें सगाई हो, जल्दी से जल्दी उनकी सगाई हो, जल्दी से जल्दी उनकी सगाई हो। एक छंद और आपके बीच में भैया, हुकुम दादा, ऐसा लगता है देवउठनी गैरस पर सारे कुंवारों का विवाह कराओगे, है ना? देवउठनी गैरस पर आपका विवाह होना ही है, ये भैया भी देखो कितने खुश है। देखिए कौमी एकता का माहौल है, कौमी एकता का माहौल है। चार पंक्ति में विनोद भाई साहब आपके सम्मान में मंच से पढ़ता हूँ कि हिंदू व मुसलमान, सिख व ईसाई भाई, कौमी एकता की आज मिसाल को जगाइए। इंडिया हिंदू व मुसलमान, सिख व ईसाई भाई, कौमी एकता की आज मिसाल को जगाइए। और समाज की ये गंदगी दिलों से बाहर फेंको, एक साथ मिलके वंदे मातरम गाइए। समाज की ये गंदगी दिलों से बाहर फेंको, एक साथ मिलके वंदे मातरम गाइए। झुके नहीं सर हिंदुस्तान का दुनिया के आगे, प्रेम खेत में बीज भाव का बोइए। और दिखाए ना आंख फिर कोई हिंदुस्तान को, मेरा ये संदेश घर घर पहुंचाइए, मेरा ये संदेश घर घर पहुंचाइए। बहुत बढ़िया, आप सुन रहे हैं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और अपनी बिरादरी का तो यहाँ कोई भी नहीं होगा, बिरादरी का यहाँ बहुत होगा। चलिए एक बात आपको सच्ची घटना बता दूं दादा, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मैंने दिया हमारा गांव में कई हुए कि सब हमने ऐसा आदमी के सरपंच चुनी दियो, ना तो हिंदी जाने ना अंग्रेजी जाने। नहीं, प्रणाम करो आपको, यहाँ की बात नहीं, अपने गांव की बात है यार, ये तो मेरी बात नहीं है, हमारा गांव की बात है साहब। क्या है यार? नहीं, सरपंच साहब जो बैठा है यो, उनको बड़प्पन है, आप सभी का भाव से यहाँ बैठा है। मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ और बिल्कुल सच की बात है, ना तो हिंदी जाने ना अंग्रेजी जाने, पर किस्मत अच्छा जीती हो। नहीं, तुम्हारे कहीं माना हमारा गांव की, हेलो तुम्हारी तुम्हारी कहा बोलू हूँ, हमारे यहाँ से सही सलामत जानो है और कहीं भी दिक्कत नहीं है, कहा बोलू तुम्हारे तुम्हारे से क्यों उलझू। अरे हुक्म भैया, क्या है मजबूरी है, अपन कह रहे हैं समझ रहे सरपंच साहब यहाँ बैठे, मजबूरी हुआ, ओरिजिनल सरपंच घर नहीं आएंगे। बात सुनो, स्कूल का मान साहब ने झंडा वंदन करने के लिए 15 अगस्त का दिन सरपंच साहब के स्कूल में बुलाया कि सरपंच साहब तुम्हारे आनो है झंडा वंदन करने के लिए। सरपंच साहब के जैसे ही खबर पहुंची, सरपंच साहब बड़ा खुश होगा कि आज तुम्हारे स्कूल में बुलाया झंडा वंदन करने के लिए। जैसे ही सजी धजी सरपंच साहब झंडा वंदन करने के लिए स्कूल में गया, तो सारा बच्चा बच्ची उनका सम्मान में खड़ा हो जाएगा। सरपंच साहब डरी में जा देखें कि यार मुँह आयो नहीं खड़ा चोगा, तो माड़ साहब ने समझाया कि सरपंच साहब तुम बीच को मत, कि तुम्हारा सम्मान में खड़ा आया है, इनके यूँ हाथ हल तो सारा बैठी आएगा। सरपंच साहब ने यूँ हाथ हल दिया, सारा लड़का कि बैठी गया। सरपंच साहब ने सोचियो कि अच्छो फार्मूलो गया, झंडा वंदन करी सरपंच साहब घरे चली गया। और दूसरा दिन साहब सरपंच साहब डिब्बो लेन दिशा जंगल गया। तो महिला वार्ड में घुसी, तो उनके देखे 5-7 भाई बहन उठे। अब सरपंच साहब ने डिब्बो मिल दियो नीचे और हाथ हलाए मारे, तब उन्हें भाई बहन उनके बुरो लगी वो कि गजब को सरपंच साहब बनाया अपन ने, आईडी आए तो आईडी भी हाथ हलाया। अब उन्होंने उनका घरवाला उनके कि भाई बहनों ने कि अपने भी अच्छे सरपंच साहब चुनियो, वहीं आयो
तो वहीं भी हमारा भी हाथ हला, तो उनका घर वाला सरपंच साहब से लड़ने गया कि वाह यार सरपंच साहब तुम भी गजब आदमी है यार। तुम वहाँ गया वहाँ महिला वार्ड में और माफी जाके तुम हाथ हलाओ, तो सरपंच साहब को जवाब अभी अच्छी लगी यार तुम्हारे, तो जोरदार ताली सरपंच साहब का ही सम्मान में ठोंक जो हमारे कहीं नहीं चाह। सरपंच साहब के भी बोलिया घरवाला कि यार वाह यार सरपंच साहब तुम वहाँ गए डिपो लेने यार माफी जगह हाथ हलायो तुमने, तो सरपंच साहब बोलियो दादा कहीं करूँ हाथ हलाने से भी नहीं बैठी, कैसे विकास करो जो नहीं पंचायत को बताओ यार। तो घरवाला ने बोलिया कि सरपंच साहब तुम भी वहाँ उन्हीं जगह पे हाथ हलाओ, वहाँ कहीं महिलाओं बैठी रही उनके तो रीस लगी। अरे कैसे रीस लगे यार, हम कल स्कूल में झंडा वंदन करने के लिए गए 150 छोरा छोरी हाथ हलाने से बैठेगा, 5-7 भाई बहन नहीं बैठी यार, कैसे काम करो मेरी पंचायत में। अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है साहब, बहुत सही पहचान करी सरपंच साहब की।